वंदना का कोहली डांस। डांस ने बना दी वंदना और कुणाल की जोड़ी। क्या कुणाल की होगी तलाश पूरी? स्टार प्लस के सीरियल बातें कुछ अनकही सी में अपनी कंपनी के लिए आवाज की तलाश करते करते कुणाल पहुंच गए हैं कोहली फेस्टिवल, जहां पर लगा है डांस और सुरों का मेला। और देखिए कैसे मराठी मुलगी वंदना भी नवारी साड़ी पहन साज श्रृंगार कर अपने डांस से रंग जमा रही है। और कुणाल वहां पर सुरों को जज कर रहा है। अपनी नाव सी पे उतारने से पहले वो बहुत बड़ी पूजा होती है उनकी, नारली पूर्णिमा जो कल थी, तो उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शो में। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। और मैंने तो कहीं देखा नहीं है टीवी में, और मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में इतना जितना अब मुझे पता चल रहा है करते वक्त। तो भाई ये नारली पूर्णिमा का दिन है, और बॉबी जो है, जो मेरा कज़न है, वो मुझे लेके आता है यहाँ पे कि आपको शायद कोई सिंगर मिल सकता है यहाँ पे, वो आपको आवाज़ मिल सकती है, कोई बहुत लोग गाना गाते हैं, इवेंट होता है, मेला होता है, तो मैं इसी पर्पज़ से आता हूँ कि मुझे कोई आवाज़ मिलेगी यहाँ पे। बंधु मिल जाती है, बंधु की फैमिली मिल जाती है, एंड तो यही सीक्वेंस है। और बाकी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ऑडियंस आप खुद देखें। वंदना भी महाराष्ट्रीयन है, तो वंदना की जो मेड है वो कोड़ी है, और उनके लिए हम यहाँ आए हैं। हर साल हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इस साल कुछ और होगा, कुछ धमाका होगा, कुछ एंटरटेनमेंट होगा। जैसे आई एम श्योर आपको अभी तक के सारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, वैसे ही एक ब्यूटीफुल सीन है यहाँ पे जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। कुणाल के इरादों से अनजान वंदना तो अपना नाच गा रही है, और तो और कुणाल का भाई बॉबी वो भी कोहली के रंग में रंग गया है और वंदना संग नाच रहा है। इसी बीच गलती से बॉबी से वंदना को धक्का लग जाता है और वंदना जा टकराती है कुणाल से, वही कुणाल जिसने वंदना की आवाज को रिजेक्ट कर दिया है। अभी तक के सीन्स में हमने देखा है कि वंदना को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ कुणाल। कुणाल ने उसकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भाई को मारने के लिए गुंडे आ गए हैं। अच्छा, तो ये इतना केओस है, शादी है एक महीने में, सो शी इज़ वेरी मच स्ट्रेस्ड, परेशान है कि अब क्या किया जाए, क्या ना करें। तो बस यार वो अभी उसकी वो जर्नी देखो आप कि क्या होता है वंदना के साथ। वंदना और कुणाल की मुलाकात तो हो गई जहाँ पे, अगर वो एक साथ हैं, और आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि यू नो कि कितना इंटरेस्टिंग है। जब भी दोनों मिलते हैं तो वो फायरवर्क्स होते हैं, और यहाँ पे भी वही होगा, जब दोनों मिलेंगे तो वो आतिशबाजी होती है और फायरवर्क्स होते हैं, और बहुत मज़ा आता है यू नो जब भी दोनों मिलते हैं, बड़ा एंटरटेनिंग सीन होते हैं और वो निकल जाते हैं। एक्चुअली लिखे इतने खूबसूरती से हैं, और जब हम परफॉर्म भी करते हैं तो हमको बड़ा मज़ा आता है, और आई एम श्योर ऑडियंस जो देख रही है उनको वंदना और कुणाल की केमिस्ट्री आई एम श्योर अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हमें करते वक्त बहुत मज़ा आ रहा है। सो या वंदना कुणाल तो मिलेंगे जहाँ भी कुछ भी होगा, साथ में होंगे तो मिलते ही रहेंगे, वो दे कीप ऑन बम्पिंग इनटू ईच अदर। भाई ऑन स्क्रीन तो वंदना और कुणाल इस सीन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन साइली और मोहित का मजा दुगना हो गया है, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे झूले लगे हैं जिन्होंने उनकी यादें ताजा कर दी हैं। जरा देखिए कैसे दोनों झूले पर बैठकर अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। कौस आती है यार, मैं बचपन में उस पर एक एक घंटों तक कूदती रहती थी, तो यार बहुत मेले में गए हम लोग, स्विंग से तो थोड़ा डर लगता है बट बहुत इन्जॉय किया है, बहुत मज़ा आता था कि हॉर्स राइडिंग करते थे,
उस पर वो आई डोंट नो उसे क्या बुलाते हैं, बट इसमें हम लोग इसे हाँ मिकी माउस जंपिंग वाला जो भी है, तो उसमें हम लोग कूदते रहते थे घंटों घंटों, पापा परेशान हो जाते थे। तो यार बहुत मस्त मजा आ रहा है, थोड़ी धूप है बट यार वी आर एंजॉयिंग हैविंग फन। घर मेरे बाबा का दिल और मैं अपने बाबा के दिल को टूटने नहीं दे सकती। बेस्ट बनना है तो बेस्ट लोग चाहिए और मेरे लिए जो बेस्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि वंदना अपनी आवाज अपने दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए और कुणाल को वंदना की आवाज रास आ जाए। बड़ी सिंगर बनने आई थी, बैकग्राउंड वोकल्स गा के जा रही हूं। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।